इसमें जो है हमने क्या करना है, ऑरेंज पील लेने फ्रेश, ठीक है, अभी तो फ्रेश है, अगर फ्रेश नहीं है तो फिर हम ड्राई भी ले सकते हैं। अब हमने किया कि जैसे मैंने इसको पका के रखा है, अगर आप देख रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ में पकाया? दूध में पकाया है। ओ, दूध के अंदर डालेंगे और सिर्फ छिलके पकाए, सिर्फ छिलके डाले हैं तो दूध फट जाएगा। अच्छा, इसको अभी तो दिखाने के लिए उतार लिया, लेकिन जब इसको इतना पकाते हैं, देखिए छिलके नरम हो गए, ठीक है, और दूध जो है ना बिल्कुल खोया सा बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इतना पकाना है कि दूध के अंदर ये छिलके जो है घुल जाए, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर आपने उतार के इसमें आपने डालना है एलोवेरा जेल, ठीक। ये आप तकरीबन एलोवेरा जेल डालेंगे, इसमें हल्की सी दूध की जो फटने की, दूध की जो खुशबू स्मेल कह लें वो आ रही है, वो आती है, उसमें आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। ओके, ये आपने इसमें एलोवेरा जेल डाला है, इसको अब मैं भी हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, वरना इसको अच्छी तरह से पकाया जाता है। पका के जो है इसको बिल्कुल एक जान कर लेंगे तीनों चीज़ें, और ये क्रीमी पेस्ट बन जाता है। ओके, लेकिन इसमें जो है इतनी देर पकाना है कि जो छिलका ये घुल जाएगा, ठीक, और ये बिल्कुल एक क्रीमी पेस्ट बन जाता है, और ये जो है आपका डीप पोर क्लेंजर होता है। ओ, अच्छा। इससे कि जब हम मेकअप करते हैं या पूरे दिन की पोल्यूशन होती है, उसके बाद हम सिर्फ मुंह धोते हैं और सो जाते हैं, कुछ लगा लेते हैं, तो जब डीप पोर क्लेंजिंग नहीं होती है तो स्किन पे एक्नी भी होती है, स्किन के ऊपर धब्बे भी आते हैं, स्किन रफ भी हो जाती है और कलर भी ख़राब हो जाता है। तो डीप पोर क्लेंजिंग करने के लिए जो है दूध और ऑरेंज से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ओके, बस ये कि आपने इसको बनाना है, पकाना है प्रॉपर। जब हम पकाएंगे तो आपको अपने हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल घुल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप उसको कांटे से बीट कर लें या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें तो वो आपका क्रीमी मास्क पेस्ट बन जाएगा, और उसको जो है आप एक दफ़ा बना के तकरीबन रख सकते हैं फ्रिज में आराम से जो है 15 से 20 दिन। और ये कितनी बार लगाना है? ये रोजाना से क्लेंजिंग करनी है, रोजाना से okay. कि देखिए आप, अच्छा एक सवाल उमर इल्के, ये हम मेक जैसे खवातीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन, लेकिन खवातीन जो मेकअप करती हैं क्या वो ये लगा सकती हैं? बिल्कुल, ताकि उससे और पोर क्लीनिंग हो जाए। देखिए खवातीन तो लाजमी लगाएंगी रोजाना, उन्होंने इवनिंग में या रात में ये रूटीन बना लेना है, ठीक है, कि इससे पहले अपना फेस वॉश किया, इससे आपने प्रॉपर लगा के मसाज किया है और 15 मिनट के बाद वॉश कर लिया है। लेकिन जो मर्द हजरात जो अपने ऑफिस से शाम को आ रहे होते हैं पूरा रास्ता गुजार के, वो भी इससे एक दफ़ा मुंह धो लें, मतलब उससे क्या होगा कि, और ये लगाना कितनी देर है? 10 to 15 minutes, बस जैसे आपने लगाया, मसाज किया और उसके बाद उसको वॉश कर लिया, ताकि वो मर्दों की स्किन बहुत डल हो जाती है, टू टोन हो जाती है, तो वो उनकी स्किन को भी बिल्कुल फ्रेश कर देगा।